आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाली है, उसका ट्रेलर का रिलीज हुआ था 29 मई को और ये ट्रेलर कम से कम 9:20 के आसपास रिलीज हुआ था रात के और आईपीएल मैच के दौरान ये रिलीज हुआ था। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर ने 24 घंटों में कितने व्यूज काउंट पूरे कर लिए। ये दो जगह पे ट्रेलर मुझे वैसे दिखाई दिया है, लेकिन अगर सिंगल ही यूट्यूब चैनल की बात करें जिसे वायकॉम 18 पर रिलीज हुआ था तो वहां पर इस ट्रेलर ने 24 घंटों में 34 मिलियन व्यूज पूरे कर लिए है, यानी कि इस ट्रेलर का व्यूज काउंट जो है 3.44 करोड़ है, यानी कि 34.4 मिलियन। सेकेंड नंबर पर ये यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है, 852K लाइक्स है, यानी कि बहुत जल्दी 1 मिलियन लाइक्स हो जाएंगे। 81,628 अभी तक कमेंट्स है इसके पास, यानी कि 81,000, और इसका मतलब साफ है कि 1 लाख के ऊपर बहुत जल्दी कमेंट्स हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि बिना प्रमोट किए हुए ये व्यूज है, और अगर हम एक और चैनल जहां पे इसका ट्रेलर आया है उसे मिलाकर देखा जाए तो 35.6 मिलियन के आसपास कुछ 24 घंटों की व्यूज काउंट नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर सिंपल बात करें कि 34 मिलियन प्लस व्यूज हुआ है 24 घंटों में तो काफी अच्छे व्यूज काउंट है ये, और फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ही है क्योंकि फिल्म को स्टार्टिंग से कंसेप्ट बनने से लेकर रिलीज होने तक को 3 से 4 साल लग गया है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद अगर कोई फिल्म भगवान न करे ना चले तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा उस एक्टर के लिए, ये बहुत है ना मुश्किल है समझ पाना, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होगा। शाहरुख खान के लिए जितनी ही इम्पोर्टेंट पठान है उतनी ही इम्पोर्टेंट आमिर खान के लिए फिलहाल लाल सिंह चड्ढा है। इन दोनों ही फिल्मों का चलना डिसाइड करेगा बॉलीवुड का फ्यूचर, मेरा ऐसा मानना है, और बहुत इम्पोर्टेंट होगी दोनों फिल्में। बहरहाल लाल सिंह चड्ढा के 24 घंटों के व्यूज काउंट आपको कैसे लगे जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।